है और तो मेरा मानना है कि सत्ता उन पे दबाव डाल दिया है। मनीष पांडे का और ये बहुत बड़ा छक्का, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और इसकी जरूरत भी है सारे को। फ्लाइट दिखी, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और सही तरीके से पड़ा भी गेंद को 84 मीटर। गेंदबाज के हाथ से पढ़ लेते हो किस तरह घूमने वाली है, शायद ये शॉट लगाना आसान हो जाए। छोटे शॉट की इस वक्त जरूरत है। 9 रहा है, 56 हो गया है स्कोर, लेकिन ये थोड़ा सा हाई स्कोरिंग नहीं रहा है। लेकिन कुलदीप के बारे में हम बात कर रहे थे, कुलदीप ने जो पिछले 1-2 साल में ना थोड़ा सा जो है गिरावट जरूर देखने को मिली है, विकेट भी कम लिए हैं, औसत बढ़ गया इसके कारण, इकोनॉमी भी ऊपर, ये थोड़ा सा मसला पिछले 1 साल में रहा है। पिछले साल कुछ गेमों के लिए ड्रॉप ही कर गया था KKR ने। स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, स्वाभाविक स्वीप भी अच्छा खेलते हैं, वो गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। फर्क सिर्फ इस वक्त एक तो ग्राउंड बड़े पिच उतनी सेट नहीं जा, शायद तो रीजन गार्डन में गेंदबाजी करते हैं तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होती है, ग्राउंड काफी बड़े हैं यहाँ तो बल्लेबाज को अच्छा शॉट लगाने की जरूरत होती है हमेशा जब आप चांस लेते हो। तो थोड़ा बात करेंगे कि एक्शन को लेके भी, मुझे देख के लग रहा है उनकी एक्शन में थोड़ी सी जो है तब्दीली आई है, सामने वाला हाथ जो है वो ज्यादा सीधा आने लगे जिसके कारण तेज गति से डाल रहे हैं गेंदबाजी। पिछला जो गेंद था वो 106 के करीब था किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 10 रन इस ओवर से 9 के बाद 61 पे 1। देखने कुलदीप का आगे का मैच कैसा है, अभी तक 2 ओवर ठीक ठाक गए, चलिए हुआ 10 ओवर के बाद 9 ओवर के बाद वक्त हो गया सेव द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।